नमस्ते, आज मेरे साथ सुमन सहाय जी हैं। जो एनवायरमेंटलिस्ट से ज्यादा मैं इसलिए देता हूं, ये मानवीय संवेदना जो पहली बात होती है हम सब लोगों की, मेरे ख्याल में जो अपनी वनस्पति, अपने एनवायरमेंट, अपने पर्यावरण को नहीं समझता है, वो मूल रूप से उसकी मानवीय संवेदनाएं भी ठीक से नहीं होती हैं। सुमन जी, जब मैं आपसे मैंने मैंने आग्रह सुमन जी से किया कि मैं अभी गया था कश्मीर, और पहाड़ में केवल कश्मीर ही नहीं, आप किसी भी पहाड़ पे चले जाइए, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो कोई भी सरकार हो, मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, कोई भी सरकार हो, वो अपने को ये मानती है कि मैंने पिछले साल 5 लाख टूरिस्ट आए थे, मुझे बताया गया कि कश्मीर में इस बार 25 लाख टूरिस्ट आए हैं, और ये मैटर ऑफ प्राइड था, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पहाड़ कराह रहे हैं। और मैंने लौट के सुमन जी से कहा कि सुमन जी, आप इतना काम करती हैं, एक आम आदमी को आम भाषा में थोड़ा हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे और लोगों में जन जागरण की कोशिश करेंगे कि ये पहाड़ की तरफ जो अंधी दौड़ है और जो इस तरह से हम भाग रहे हैं, और सरकार का जो एक एक डेवलपमेंट है हर चीज को, टूरिज्म टूरिज्म हर चीज कारोबार, वो कहीं ना कहीं हमें हमें ही और हमारे आने वाली जनरेशन को नुकसान दे रहा है। जोशीमठ एक को है सुमन जी, जो मेरी पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सरकार ये कह रही है कि जोशीमठ इज अ नेचुरल डिजास्टर, वो एक उसका कोई हमारे और आपसे लेना देना नहीं, जबकि आपका ये स्ट्रॉन्गली मानना है कि इट इज अ मैन मेड, ये मानव निर्मित आपदा है। तो पहले तो मैं ये समझूंगा, पहाड़ में आप जोशीमठ को मानव निर्मित आपदा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि जितना भी एविडेंस है अभी तक का, और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, आज आज के पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स की गई हैं उत्तराखंड को लेके, क्योंकि ये तो मालूम ही था कि जोशीमठ जो है, और जोशीमठ जैसी जगह है, एक बहुत ही नाजुक ज्योग्राफिकल एरिया में है। जोशीमठ किस चीज पे बसाया गया, वहां पे एक लैंडस्लाइड हुआ था, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, और वो लैंडस्लाइड का जो रबल आके पहाड़ पे जमा, उस पे धीरे धीरे लोगों को घर बनाने दिया गया, और उस वजह से फिर जोशीमठ एक छोटे शहर के रूप में स्थापित हो गया। और ये तो कई सालों से, मेरे ख्याल पहली रिपोर्ट शर्मा जी की जो थी वो शायद 20 साल पहले की थी, रवि चोपड़ा की एक रिपोर्ट है वो भी कुछ साल पुरानी है, जिसमें ये चेतावनी दी गई है कि यहाँ पे अगर और कंस्ट्रक्शन होगा तो ये खिसकेगा, ये दब जाएगा, ये पहाड़ में उसको बर्दाश्त करने, इतना वजन बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। तो ये तो अब इस तरह से कहना कि इसमें हम क्या करें, हमारी नीतियों में तो कोई गलती है ही नहीं, हम तो पर्यावरण को लेके चलते हैं, झूठ है। इसको दो तरह से नहीं कहा जा सकता है, ये झूठ है। जितना जी, भी एक्सपर्ट्स का अभी तक जो भी रिपोर्ट्स राय जो भी आई है, आज से नहीं बहुत पहले से ये आई है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये धंसेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये पहाड़ से गिर जाएगा अगर इस तरह की चीजें नहीं रोकी जाए। और इसमें सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, आप उसके बगल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप वहां सड़कें बना रहे हैं, ये एक पहाड़ जो है पुराना पहाड़ नहीं है, ये सबको मालूम है, इसमें हमारी आपकी बहस करने की जरूरत ही नहीं है, सबको मालूम है कि इस पहाड़ में पुराने पहाड़ों की तरह से बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, ढीला पहाड़ है, हमारे ठोस पत्थरों के पहाड़ ये नहीं है, ये पहाड़ है मट्टी पत्थर मिला के। तो वहां पे आप अगर बड़ी बड़ी मशीनें लाके और काट काट के सड़क बनाएंगे, और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसका तो अब दिख रहा है, काफी एविडेंस आ रहा है कि इसकी जो टनल वगैरह बनाई गई हैं, उससे एक एक्विफर माने पानी का जो तह होता है जमीन के नीचे, वो शायद फट गया है, उसके फटने से और भी पानी जो है मट्टी पीने लगी है अंदर से, धरती के अंदर से, और सब्सिडेंस अगर 5 मिनट में होता तो अब 2 मिनट में हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही, मतलब बहुत ही अफसोस की बात है कि हम झूठ सच मिला के और स्थिति को उस तरह से दर्शाना चाहते हैं कि इसमें गलती गलत नीतियों की नहीं है, ये गलत है और ये एक धोखा है। जी, सुमन जी मुझे एक चीज और बताइए, जैसे जैसे आपसे जब बात हुई तो आपने कहा कि एनडीएमए जो है, नेशनल डिजास्टर मैन, उसने गैग, उसने कहा है कि नहीं, इस पे आप कुछ शेयर नहीं करेंगे, आप कहीं बाहर नहीं। मेरी समझ में आता है कि अगर कोई पार्टी अपना इलेक्शन में कहती है कि नहीं, ये डेटा मैं शेयर करिए, मैं इस 5 ट्रिलियन नहीं 50 ट्रिलियन के अकाउंट में, वो ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट जिसमें सुबह से शाम तक हम और आप वो हैं, उस पर क्यों गैग ऑर्डर?
मतलब व्हाट इज द पर्पस, क्यों? तो पर्पस तो वही है ना, उसी झूठ को आगे लेके चलना कि हमारी तो गलती है ही नहीं। अब हम समझते हैं ये बहुत ही चिंताजनक चीज है। एक देश में आप वैज्ञानिकों के ऊपर, एक्सपर्ट्स के ऊपर अगर गैग ऑर्डर लगाएंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार लोग हैं, वो अपनी राय बोल नहीं सकते हैं, तो आप एक तरह से झूठ बरकरार रखना चाहते हैं और जो सच्चाई है उसको उभरने से रोकना चाहते हैं। इसके अलावा ये तो खतरनाक है ही और ये शर्मनाक है। इसके अलावा बेवकूफ़ी है, बेहद बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके पास हर जगह से तो सैटेलाइट डेटा आ जाता है, हमारे यहाँ भी रिमोट सेंसिंग से सैटेलाइट डेटा मिल जाता है, तो आप किसको उल्लू बना रहे हैं? आपका सैटेलाइट डेटा साफ साफ दर्शा रहा है कि क्या हो रहा है, तो आपके कहने से कि मेरे मुंह पे ताला लगा दिया जाए कि वो डेटा उपलब्ध नहीं है क्या? जिसको चाहे वो डेटा उपलब्ध कर सकता है, जितनी हमारी संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके पास ये डेटा है। तो आप ये गैग ऑर्डर लगा के एक तो अपने आप को एक, हम समझते हैं कि बड़ी एक बेवकूफी दर्शाते हैं, और खतरनाक चीज है। हमारा कहने के लिए तो लोकतंत्र है ही ना, लोकतंत्र में आप झूठ का तो प्रचार नहीं कर सकते हैं। लोगों की राय, लोगों का अधिकार बोलने का, अपने व्यूज को रखने का, वो तो नहीं रोक सकते हैं। और अगर रोकेंगे तो इस तरह की हादसे जो हैं बढ़ते चले जाएंगे। सुमन जी, मुझे एक चीज और, क्योंकि मैं इसलिए मैं कहता हूं, मैं अपने कई शोज में लोग कहते हैं जब जाता हूं, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं पूजा करने वाला हिंदू हूं, लेकिन जिस तरह से हमारे जो आस्था के स्थल हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो और चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, ये सब, मैं सबको, चाहे वो वैष्णो देवी हो, यहाँ पे आस्था की जगह इसको अब टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया जा रहा है, और दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप जब उस आस्था को टूरिस्ट स्पॉट कर दे रहे हैं, तो वहां एनवायरमेंट के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, केदारनाथ की हम लोग देख चुके हैं, ये आर वी इनवाइटेड ट्रबल? क्योंकि आप आस्था रखी, क्यों सबको वहां हेलीकॉप्टर से जाने की जरूरत है? व्हाई समवन वांट्स टू गो हेलीकॉप्टर केदारनाथ में क्यों लैंड करेगा? मैं थोड़ा आपसे भी समझना चाह रहा हूँ, और हमको, और मतलब सिर्फ सिर्फ सरकारी नहीं, जो जो वहां पे श्रद्धालु जा रहे हैं उनको भी ये समझना होगा। हमको तो ताज्जुब होता है कि जो लोग कहने के लिए श्रद्धालु हैं, जो दर्शन करने जा रहे हैं अपने भगवान के, उनको नहीं मालूम तीर्थ क्या होता है। उन्होंने अपने पिता माता दादा नाना से सीखा नहीं कि तीर्थ क्या होता है। और अगर वो वाकई हिंदू हैं और अगर वो वाकई श्रद्धालु हैं, तो उनको मालूम है ना कि तीर्थ के मतलब अपने तीर्थ एक एक कठिनाई से गुजरता हुआ, और उसकी हम लोगों में, हिंदुओं में ये सोच है कि आप उस कठिनाई से गुजरते हुए जब अपने दर्शन के लिए जाते हैं, तो आप अपने पापों को धोलते हुए अपने आप को जितना स्वच्छ कर सकते हैं, उस स्वच्छ रूप में अपने पापों को हटा के उस स्वच्छ रूप में आप अपने देवता, अपने भगवान के सामने प्रस्तुत होना चाहते हैं। तो ये कौन सा ऐसा हिंदू है जो कि हेलीकॉप्टर से, और ये जो हमारे यहाँ चार धाम को जोड़ा गया है 4-lane highway से, ऐसा कौन सा हिंदू है जिसकी आस्था ये कहती है कि आप बिना पीड़ा, बिना कठिनाई, बिना अपने ऊपर कोई किसी तरह की जो तीर्थ के साथ जुड़ा होता है, आप पैदल चलें, आप उन रास्तों से चलें जहाँ पे कि आपको होटल वगैरह की सुविधाएं नहीं होती हैं। तो तीर्थ के कोई मान्य होते हैं ना, और ये सिर्फ हमारे उसमें नहीं है, रिलीजन में, आप किसी भी क्रिश्चियंस को देख लीजिए, मुसलमानों को देख लीजिए, उनके यहाँ जो भी तीर्थ की शक्ल होती है, उसके मतलब अपने ऊपर एक कष्ट उठाना। क्यों उठाना? उस कष्ट से आपके पाप धुलते हैं, ऐसा मानते हैं। तो हमको तो और भी नहीं समझ में आता है कि श्रद्धालु उसको तपस्या, हाँ उसको तपस्या भी कई लोग कहते हैं कि भाई तप करते हैं, मतलब तप तो जी। और एक वो इंग्लिश का शब्द है ना, पेनेंस। यस यस, पेनेंस मतलब हम अपने अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए चल रहे हैं, और उस तरीके से हम जा रहे हैं कि हम अपने पापों को धोते हुए, प्रायश्चित करते हुए जा रहे हैं। तो हमको तो उन हिंदुओं पे नहीं समझ में आता है जो कि इस तरह की चीज को तीर्थ समझते हैं। तो है, टूरिज्म है बिल्कुल, और आप पर्यावरण को नष्ट करते हुए, अपने धर्म को नष्ट करते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से इसको समझा जाए जी।
मैं एक चीज और सुमन जी इसी में, क्योंकि मेरे मेरे मन में कुछ छोटे छोटे प्रश्न है जो आपसे पूछ रहा हूँ। सरकार ने एक बहुत फैनफेयर के साथ एक चलाया है कि बनारस से वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक का एक चलाया है कि नौका से अब आप जा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, वहां पे सब कुछ तरह का विदेशी व्यंजन परोसा जाएगा, विदेशी मदरा परोसी जाएगी, इन्वायरमेंट मतलब कितना उसमें डीजल लगेगा तो कितना गंगा के साथ जो काम किया जा रहा है, हम गंगा पहिया मानते हैं भाई, गंगा के साथ क्या कर रहा है? मैं थोड़ा इस पे भी आपसे समझना चाहूंगा, ये कैसे, हाउ वी आर अलाउइंग इट। अब आपने जिस तरह से वो कॉरिडोर बनाया है गंगा के तट से लेके काशी विश्वनाथ मंदिर तक, सब तोड़ फोड़ करते हुए, हमारे यहाँ अगर जिसकी आस्था है बनारस में सिर्फ काशी विश्वनाथ से है क्या? जो छोटे बड़े मंदिर जो रास्ते में थे, जहाँ के लोग वहां जाके पूजा करते थे, जिनके यहाँ पीढ़ियों से बच्चा पैदा होता था तो वहां चढ़ाने जाते थे, घर में नई बहू आती तो वहां चढ़ाने जाते थे, तीज त्योहार पे तो फिर वहां जाते थे, उनका मंदिर तो वो था ना। सब तो नहीं काशी विश्वनाथ जाते हैं, ठीक है काशी विश्वनाथ बड़ा मंदिर है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने सब तोड़ते फोड़ते एक तरह से एक हाईवे बना दिया काशी विश्वनाथ मंदिर तक। काशी विश्वनाथ मंदिर मंदिर बहुत सराहनीय है, हम लोग सब लोग उसको बहुत ही एक ऊंचे दर्जे का मंदिर मानते हैं, जो सबकी आस्था उससे जुड़ी हुई है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। बहुत से लोगों की उन छोटी मंदिरों से भी आस्था जुड़ी हुई है, जहाँ पीढ़ियों से उनका परिवार जाता आता रहा है। उसी तरह से गंगा हमारे लिए पूज्य है, आप गंगा पे शराब और ये सब करते हुए एक टूरिज्म का खेल करते हुए जाएंगे, कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि भगवान ने अपने आप ही अपनी नाराजगी दिखाई, जबकि वो जो थी वो पानी जहाँ पर्याप्त नहीं था जाके फंस गई वहां जाके, मतलब हमको तो लगता है कि ईश्वर का ये इशारा था कि भैया ये बेवकूफी बंद करो, जिसको जिसको मतलब टूरिज्म करना है, हिंदुस्तान में नदियों की कोई कमी नहीं है, आप टूरिज्म करिए लेकिन अकल से करिए, जहाँ पे कि पानी पर्याप्त हो, जहाँ पे कि लोगों की इतनी आस्थाएं ना जुड़ी हो, लोग जाते हैं गंगा जल लेके और पवित्र मान के पूजा में चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जब जीवन खत्म होता है तो गंगा जल से खत्म होता है, तो उस नदी को आपने बस एक टूरिज्म का जरिया बना दिया, जिसको कि ये पूरा भारतवर्ष, और ये पूरा भारतवर्ष चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी धर्म का जो भी हो, गंगा को पवित्र सब मानते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है हमारे देश में, ये नदी, इसका इसका जो सम्मान है उसके साथ खिलवाड़ करना इस तरह से, वो भी बिना सोचे समझे, तो ये तो समझ में आई नहीं बात जी। सब कुछ हिंदू धर्म से नाम पे जी। नहीं सुमन जी, एक जैसे आप कह रहे हैं ना, कुछ चीजें मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 75 साल में जो भी सरकार आई उसने शायद उस तरह से नहीं किया, कुछ चीजें मैं समझ सकता हूँ कि जरूरी थी, भाखड़ा नांगल का बनना या ये मैं समझता हूँ, लेकिन जैसे अभी एक तरफ सरकार ये दिखाती है कि बहुत ही सेंसिटिव है, चीता एक्सटेंट हो रहा है तो कहाँ से विदेश से लाया गया है और उसकी पूरी रनिंग कमेंट्री चली, चीता आया चीता छूट रहा ये हुआ, और दूसरी तरफ हम को कोई भी ये डर नहीं है कि जो जो जंतु हैं जो पानी में रहते हैं उनका क्या हाल होगा, ये इनसेंसिटिविटी है कि या ये समझ नहीं है या हमें केवल इवेंट करना है, व्हाट आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि कोई या जो इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहते हैं ना कोई डिपार्टमेंट में, और ये बिल्कुल ही यूरोपियन कॉन्सेप्ट है जी। रिवर क्रूज, आप जो है सो यूरोप की नदियों में राइन पे नेकर पे बड़ा म्यूजिक बजेगा, गाना बजाना होगा, पार्टी होगी, उसमें मदिरा पान तरह तरह के व्यंजन वगैरह सब, दैट इज एन एंटरटेनमेंट। जैसे आप सिनेमा जाते हैं, जैसे आप इस तरह के एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, उसी तरह से ये रिवर क्रूजेस होती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल किसी एक सज्जन को समझ में आया होगा कि हम लोग गंगा पे, अब काशी विश्वनाथ के लिए कॉरिडोर आपने बना दिया तो फिर गंगा के साथ आपने क्रूज लगा दिया, बिना सोचे समझे कि गंगा का क्या महत्व है, और बिना सोचे समझे कि वो तो एनवायरमेंटल वाली बात तो मतलब बहुत बड़ी बात है, आप ना तो बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखते हैं, हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे भी नदियों पे बहुत प्रेशर बढ़ गया है और पानी की कमी होती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी वहां पे कौन सी मछलियां हैं, कौन से पौधे हैं वहां पे तट पे, जिन पे लोगों की आजीविकाएं आधारित है,
उन पे क्या असर पड़ रहा है, आपको कुछ नहीं सूझा, आपने उसमें एक स्टीमर चला दिया, आपने उसमें एक रिवर क्रूज बना दिया जैसे यूरोप में होता है जी। तो कुछ कोई तो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। जी जी सुमन जी, मैं एक चीज और, मुझे हरदम मेरा मतलब मैं आपसे वो सारे प्रश्न पूछ रहा हूँ जो शायद आपको बहुत ही, क्योंकि आप इतना ज्यादा क्या है और मैं आपसे बहुत बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और यहाँ हर वर्ष हम लोग, और ये केवल उत्तर प्रदेश में, हम लोग कोई कभी 10 करोड़ वो लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, वृक्षारोपण दिवस होता है, प्लांटेशन डे, कभी 5 करोड़ लगाते हैं, कभी 15 करोड़। पिछले 15-20 साल का अगर हम लोग इकट्ठा कर लें तो शायद जो हमारा फॉरेस्ट कवर है हम अफ्रीका से ज्यादा हमारे यहाँ वृक्ष होने चाहिए। ये किसको हम लोग झूठ बोला, मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज है भाई, इतने करोड़ वृक्ष लगते हैं, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है, इज देयर नो वन टू सोशल ऑडिटिंग या कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं हो रही है। हमको अवसर मिला था फॉरेस्ट कंजर्वेशन कमेटी के सदस्य होने के नाते इन चीजों पे काम भी करने का और इनका सबका डेटा भी देखने का। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, हम खाएंगे हमसे सुनने को मिलेगा इसके बाद, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आंकड़े दिखाने की बड़ा शौक है। 15 करोड़ लगाए उसमें से जीवित कितने बचे ये कोई नहीं देखता है। आप जो सोशल ऑडिट की बात कर रहे हैं ये कोई नहीं देखेगा कि 15 करोड़ लगाए तो बचे कितने। दूसरी बात यह है कि ये लगाते क्या है, जो ये सुबबूल की जो बला आई है भारतवर्ष में कि भैया उसको कोई जीव जंतु नहीं खाता है इसलिए सुबबूल लगा दो, तो अलूल जलूल जहां लग रहे हैं वहां अलूल जलूल पेड़ भी लग रहे हैं। हम आपको एक चीज बताएं, जब हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन कमेटी में काम करते थे तो हमेशा वहां पे प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल के लिए आता था और उसमें एक वो कानून या कंडीशन है कि अगर आपको फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करना है 50 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर किसी प्रोजेक्ट के लिए, कई दफे फौज के प्रोजेक्ट्स होते थे, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स होते थे, तो आपको उतना एफॉरेस्टेशन करना है। मेरा ऐसा मानना है कि अब ये नाटक आप बंद करिए, इतने करोड़ लगा दिए उतने करोड़ लगा दिए, आप अगर फेंसिंग करके जहां पे भी डिग्रेडेड एरिया है और छोड़ दें उसको, बस इतना ही करें, फेंस लगा दें तो प्रकृति में इतना दम है कि जो वहां पहले था जंगल उसको वो दोबारा खड़ा कर देगी, उसमें आपके दखल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीज पड़े हैं वहां, क्योंकि वो छोटे छोटे पौधों की जो अंकुर है वो उठेंगी हर बरसात में, आप उनकी जान छोड़ दीजिए, वहां पे अलूल जलूल सुबबूल ना लगाइए, आप बस फेंस कर दीजिए ताकि वहां पे जीव जंतु चरने ना जाए। तो तरीके तो है, लेकिन अगर हमारी इच्छा है जनता की आंखों में धूल झोंकना या सरकार की आंखों में, इसमें मिली भगत भी तो बहुत होती है ना, आपको फंड आ गया, कैंपा से फंड आ गया, इतना फॉरेस्टेशन के लिए इतने करोड़ रुपए हैं, आपने दिखा दिया कि इतने पेड़ लग गए, लगे नहीं लगे, मर गए जिंदा रहे क्या है। तो फॉरेस्टेशन को हमको जरा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं तो मर जाएंगी बिना बिना फॉरेस्ट कवर के। आप देख ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या क्या असर पड़ रहे हैं, एक पेड़ नहीं छोड़ रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें जो हम दिखावा करने के लिए और झूठ बोलने के लिए किसको उल्लू बना रहे हैं, क्या जनता बेवकूफ है, क्या जनता समझती नहीं है कि अगर आप वैज्ञानिकों के मुंह पे ताला लगा देंगे तो क्या लोग सैटेलाइट से डेटा नहीं निकाल देंगे, तो आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संबंध जो है सरकार और जनता में, इसको बिगड़ना नहीं चाहिए, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो थोड़ी सी ज्यादा ही गलत दिशा में जा रही है, और हमको लगता है कि जो पर्यावरण पे चोट लग रही है ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे अगर हम बचेंगे नहीं तो आगे जाके क्या होगा, पर्यावरण को हमको समझना होगा जी। सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह से आपसे थोड़ा छोटी छोटी चीजें समझ लें। मैं अपने दर्शकों को भी कह दूं कि दो विषय हैं जो मैं सुमन जी से अलग से किसी अगले चैप्टर में, एक जो प्लास्टिक को हम लोग बार बार कहते हैं बंद करें लेकिन करते नहीं है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है जो पेयजल है, पीने के पानी की जो जिस तरह से हम दोहन कर रहे हैं और जिस तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं, उस पर भी हम आगे आने वाले एपिसोड में आपसे जरूर चर्चा करेंगे।
सुमन जी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ऑल दिस, ये सब बताने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है। थोड़ा कम जाइए अगर पहाड़ जाना है। जी जी, और मैं इसलिए कि मेरे एक जाने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, एक आदमी भी अगर कम जाता है तो उससे फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।